तो हेलो गाइज, मैं हूं राज भाई और गाइज मेरा यूट्यूब चैनल एनर्जी एक्स वाई जेड में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज हम चतरा डिस्ट्रिक्ट का जो कन्हाचट्टी प्रखंड में एक वाटरफॉल है जो कि यहां का नामी वाटरफॉल है और कन्हाचट्टी प्रखंड में स्थित है, तो इसी जगह पर आज हम जो तमासिन वाटरफॉल है उसी जगह पर हम लोग घूमने जाने वाले हैं। और हम जब जा रहे थे तो हम सोचे कि आप लोग को भी ये वहाँ का खूबसूरत नज़ारा है हम आप लोग को भी दिखा दें। और हम जिस समय जा रहे थे तो ये लोग लड़का लोग मिला और इन लोग भी जा रहा तो उसी जगह पे घूमने के लिए, तो आप लोग सभी एक बार हाय बोल दो तुम लोग। तो गाइज हम लोग ये तमासिन वाटरफॉल जा रहे हैं और हमारे साथ में ड्रोन भी हम लेकर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे आप लोग को कि ड्रोन से बिल्कुल खूबसूरत नज़ारा वहाँ का दिखाने का कोशिश करेंगे, जितना से जितना खूबसूरत नज़ारा हो। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा और वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंट वीडियो देखने के लिए और व्लॉग्स वीडियो देखने के लिए। तो यार हम लोग फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो हम थोड़ा सा यहाँ का जो खूबसूरत नज़ारा वो हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं और ड्रोन से, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ का बिल्कुल कितना खूबसूरत नज़ारा है और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, पेड़ की वजह से बिल्कुल कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। और ये जो मार्ग गई है वो बिल्कुल तमासिन वाटरफॉल ही गई है। और गाइज आप लोग वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा क्योंकि हम इसी प्रकार से ड्रोन शॉट्स वीडियो हम तमासिन वाटरफॉल का भी दिखाने वाले हैं आप लोग को, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और वीडियो के लिए लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा और यार चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंट वीडियो और व्लॉग्स वीडियो देखने के लिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो फाइनली गाइस जो मेरा तमासिन वाटरफॉल है जो कि चतरा जिले का कन्हाचट्टी प्रखंड में स्थित है और कन्हाचट्टी प्रखंड का जो यहाँ का जाने माने ये वाटरफॉल है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। तो हम लोग पहुँच चुके हैं जो वाटरफॉल है तमासिन वाटरफॉल, और आप देख सकते हैं कि शुरुआत में हमें इस प्रकार का कुछ हमें यहाँ का नज़ारा देखने को मिलता है। और यहाँ जो कि इधर टिकट बुक में ये टिकट मिलता है जो कि बाइक लगाने का और कार लगाने का, और यहाँ भैया लोग हैं जो कि आप देख सकते हैं इधर बैठे हुए हैं और यहाँ सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं और इधर भी एक भैया है। तो हम लोग जो यहाँ का तमासिन का जो नज़ारा है हम आप लोग को दिखाते हैं और गाड़ी एक आ रही तो थोड़ा सा हमें रुक जाते हैं हम और भैया लोग से हम थोड़ा बात करते हैं कि यहाँ का जो सुरक्षा में किस प्रकार से सुरक्षा होता है और यहाँ का टिकट जो है कितना लगता है। तो भैया आप थोड़ा सा कुछ बता दीजिए किस प्रकार से टिकट लगता है बैग पे, या फिर सुरक्षा के बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए, कैसा यहाँ का नज़ारा है, कैसा यहाँ का जो दृश्य है वो बताइए थोड़ा। देखिए यहाँ तमासिन कन्हाचट्टी प्रखंड तुलबुल पंचायत ग्राम अरमेदाग में तमासिन वाटर फॉल है जो फल्गु नदी में जाके मिलती है और यहाँ एक समिति का गठन किया गया है जिसमें सभी सुरक्षा और किसी प्रकार के दिक्कत ना होना चाहिए, इसलिए कमेटी का गठन किया गया। और विशेष यात्रीगण जो आते जाते हैं किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, इसीलिए हम लोग कमेटी गठन किए हैं और हम लोग तत्पर रहते हैं कि कहीं कोई प्रकार की घटना ना हो। और गैज अभी हम लोग ये 24 दिसंबर है तो हम लोग थोड़ा पहले आए हैं और अभी बहुत कम भीड़ रहता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा जनसंख्या हम लोग आते हैं देखने के लिए। और अभी 24 दिसंबर है तो 25 दिसंबर जो कि कल बड़ा दिन होता है तो उस दिन से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या में आते हैं यहाँ देखने के लिए। और यहाँ का अभी कुछ यहाँ लगा हुआ नहीं है, मेला वगैरह भी लगता ना भैया, मेला भी लगता है यहाँ पर, झूला वगैरह भी लगता है। तो आप लोग भी आइएगा यहाँ 25 दिसंबर के बाद और बिल्कुल यहाँ 14 जनवरी तक यहाँ बिल्कुल ज़्यादा जनसंख्या में आकर और यहाँ का जो खूबसूरत नज़ारा वहाँ का मज़ा लेते हैं और जो वाटरफॉल है। तो हम लोग जो आगे का दृश्य है और तमासिन वाटरफॉल वहाँ का हम लोग दृश्य दिखाते हैं आप लोग को और वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे वीडियो के लिए लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, जो आगे का दृश्य है नज़ारा वो हम आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि जो यहाँ बाइक लगाने का भी उपलब्ध किया गया है और इस घर में बाइक लगता है, आप देख सकते हैं यहाँ भवन बनाया हुआ है और इधर फोर व्हीलर वगैरह
जो कि फोर व्हीलर वगैरह कार है जो कि इधर लगता है, और बिल्कुल यहाँ सभी चीज़ का सुविधा है। और इधर जो आप लोग को कुछ खाने पीने का सामान आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप इधर ख़रीद सकते हैं। आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप लोग को दिखा रहे हैं थोड़ा सामने जाकर। और इधर जो फोर व्हीलर लगता है, इधर फोर व्हीलर लगता है, और यहाँ आप देख सकते हैं जो कि आप अंदर जाइएगा जब तमाशिन वाटरफॉल में, तो वहाँ एक देवी भी है, तो आप वहाँ पूजा करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ सामान वगैरह भी ख़रीद सकते हैं। नारियल वगैरह जितना भी पूजा का सामान है वो यहाँ मिल जाएगा, बिल्कुल आप देख सकते हैं। और ये भैया जो कि दुकान वाले भैया है, भैया एक बार हाय बोल दिए। हाय। तो और इधर जो कि खाने पीने का सामान मिलता है, समोसा वगैरह जो चीज़ भी आपको अगर ज़रूरी है तो आप लोग जब आइएगा उधर से घूमने के लिए घर तरफ से या कहीं से, तो वैसा नहीं कि किसी चीज़ लेकर भी आइएगा यहाँ, और ज़रूरी है तो आप लोग यहाँ भी आकर और खा भी सकते हैं, लेकर कुछ देख सकते हैं, सभी चीज़ का मतलब उपलब्ध है यहाँ, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। और आप देख सकते हैं जो कि ये रास्ता है, जो यही रास्ता गया आगे जो तमाशिन वाटरफॉल है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, हम जो आगे तमाशिन वाटरफॉल का जो खूबसूरत नज़ारा है वो हम आप लोग को दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि इधर दुकान भी है यहाँ पे, और इसके बाद दुकान के बाद इधर सीढ़ी जो कि ये वाटरफॉल, ये तमाशिन वाटरफॉल अंदर जाने के लिए यहाँ से सीढ़ी है आगे से, और सीढ़ी लगभग यहाँ का जो सीढ़ी है नीचे तक जो जाती सीढ़ी, वो सीढ़ी लगभग 400 के आसपास सीढ़ी है। तो आप देख सकते हैं भैया लोग इधर हैं और इधर से जाती सीढ़ी ना। ये कौन सा रास्ता है? ये पार्क का रास्ता गाइस, यहाँ पार्क का भी व्यवस्था है पार्क का, जो आप देख सकते हैं आगे दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा जूम करके दिखा रहे हैं। और यहाँ पार्क का भी व्यवस्था है, और इधर जो नीचे की ओर जाती जो तमाशिन वाटरफॉल है, तो यहाँ जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी आप देख सकते हैं बिल्कुल सुविधा के साथ यहाँ बनाया गया है, ताकि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो जो यहाँ पे आते हैं देखने के लिए जो यहाँ तमाशिन वाटरफॉल, तो इसीलिए ये सीढ़ी बनाया गया है। तो यहाँ का जो सीढ़ी है 400 के आसपास सीढ़ी है, तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा, और यहाँ का जो खूबसूरत नज़ारा है जो हम ज़रूर दिखाएंगे, और ड्रोन से भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे बिल्कुल आप लोग के लिए कि अच्छे से अच्छे तरह से कोशिश करेंगे वीडियो रिकॉर्ड करने का, और आप लोग वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा। पार्क का ये रास्ता है, तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये पार्क का रास्ता है, और इधर पार्क का आगे, तो हम पार्क आप लोग को दिखा रहे हैं थोड़ा सा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पार्क है, और यहाँ पार्क का व्यू है जो आप लोग को दिखा दे रहे हैं। तो उधर कहाँ जा रहा छोटू? गाइस आप देख सकते हैं बिल्कुल ये पार्क है, और यहाँ बैठने वगैरह का सब चीज़, सभी चीज़ का सुविधा है चारों तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ डस्टबिन है जो कि कचरा वगैरह इसमें डाल सकते हैं आप, और चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं बिल्कुल। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं तमाशिन का एक जो कि मस्त पार्क है, तो उसी जगह पे पहुंच चुके हैं, और यहां से हम लोग जो ड्रोन है यहां से हम लोग फ्लाई करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा वीडियो शूट कर सके। तो आप देख सकते हैं यहां के एक बार पार्क चारों तरफ से दिखा दो। तब तक गाइज हम ये ड्रोन को ऑन कर लेते हैं। और तो गाइज मेरा जो ड्रोन है वो बिल्कुल ऑन हो चुका है, और हम इसे फ्लाई करेंगे, और हम कोशिश करेंगे आप लोग को बिल्कुल जितना से अच्छी ये लोकेशन हो या वीडियो शूट कर सके तो हम कोशिश करेंगे। तो हम ये रिमोट को भी ऑन कर लेते हैं, और मेरा रिमोट भी ऑन हो चुका है, और फिर हम यहाँ से फ्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो कि तमाशिन वाटरफॉल है जो यहाँ से बहुत ही नीचे है गहराई में, तो हम लोग इसे उड़ाते हैं ड्रोन को, और आप लोग वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा। तो गाइस मेरा जो ड्रोन है बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है, और हम इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेते हैं, और हम ड्रोन को फिर चालू करते हैं।
तो गाइज मेरा ड्रोन है वो ऑन हो चुका है और हम इसे भेजते हैं और इसका जो यहाँ का जो पार्क का नज़ारा वो हम आप लोग को दिखा दें पहले। आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो तमासिन वाटरफॉल का जो पार्क है वहाँ का बिल्कुल कितना खूबसूरत नज़ारा है और चारों तरफ से पेड़ है, इसके वजह से यहाँ का जो नज़ारा है देखने का जो खूबसूरती है वो बिल्कुल बढ़ जाता है। और इस पार्क में बिल्कुल सभी चीज़ का सुविधा किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ बैठने वगैरह का सभी चीज़ का सुविधा किया है और चारों तरफ से रेलिंग है जो कि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ हो या कोई बच्चा इधर गिर नहीं जाए, तो इसके लिए ये रेलिंग चारों तरफ से दिया गया है और चारों तरफ। और सच में ये तमासिन वाटरफॉल का जो पार्क है वो सच में काफ़ी खूबसूरत पार्क है और सच में मस्त लगता है पार्क देखने में। आप देख सकते हैं बिल्कुल कितना खूबसूरत लग रहा है चारों तरफ से देखने में। तो गाइज आप लोग भी यहाँ आइए तमासिन वाटरफॉल और यहाँ का जो खूबसूरती है उसका आनंद उठाएँ। तो गाइज आप देख सकते हैं जब हम नीचे आते हैं वाटरफॉल में, तमासिन वाटरफॉल में, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ इस प्रकार का व्यू दिखता है। चारों तरफ हम देख सकते हैं पानी किस प्रकार से गिर रहा, झरना टाइप से। और इधर से आप जा सकते हैं, इधर से भी रास्ता है और इधर से जाने का जो सीढ़ी है, तो हम लोग इधर से चलते हैं। और आओ छोटो आओ ना आओ। तो गाइज आप देख सकते हैं इधर से बिल्कुल सीढ़ी बना हुआ है और अच्छा यहाँ का सुविधा जो कि इतना पहाड़ी में भी सीढ़ी बनाया हुआ है और उतरने का सुविधा किया गया है। तो हम लोग ड्रोन का शॉट बिल्कुल दिखाएंगे अच्छे से, अच्छी प्रकार से। अरे वाह। तो गाइस आप देख सकते हैं इधर मंकी भी है और वाह गाइस आप देख सकते हैं मंकी भी है चारों तरफ। हाँ बिस्कुट है। तो गाइस अभी हम कोशिश बिस्किट देने का ये मंकी लोग को कोशिश करेंगे और तो गाइस आप देख सकते हैं कि छोटू मंकी को बिस्किट खिला रहा है। एक पूरा दे दिए छोटू, एक और दो। आप देख सकते हैं बहुत सारे मंकी आ गए हैं। इधर दो, इधर इधर छोटू इधर दो छोटू इधर दो ए छोटे इधर दो ना ए भाई। गाइस आप देख सकते हैं मंकी लोग किस प्रकार से बिस्किट खा रहा है। दोरे उठा कर दो, उठा कर दो। रख दो ए छोटू, रख दो ना आशीष, रख दो। तो गाइस बिस्किट खत्म हो चुका है और बहुत सारे मंकी लोग आ गए हैं और तो गाइस आप देख सकते हैं तमासिन वाटरफॉल जो कि नीचे का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। हम यहाँ से नीचे से दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा फेट है जो कि इधर छोटू आ रहा है अच्छा से छोटू। और आप देख सकते हैं इधर पानी भी जमा हुआ है और इधर बहुत बड़ा चट्टान आप देख सकते हैं। तो हम ऊपर से दिखाएंगे, बिल्कुल हम ड्रोन से आप लोग को शॉट दिखाएंगे जो कि अच्छा से हम दिखाने का कोशिश करेंगे जो ड्रोन शॉट। तो इधर पिकनिक भी बहुत सारे लोग मना रहे हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं ये जो तमासिन वाटरफॉल के जो अंदर ये देवी है वहाँ पर, और हम छोटू ऐसो वहाँ पूजा करने के लिए जा रहा है और देख सकते हैं हाथ में नारियल लिया है और छोटू पूजा करेगा और वहाँ जो मन्नतें जो होगा वो मांगेंगे। और देख सकते हैं वहाँ जो उस जगह पे वहाँ पे जो हट के अंदर है देवी, तो वहाँ छोटू जाकर पूजा करेगा। तो छोटू अभी जाएगा पैर हाथ धोने के लिए, तो हम छोटू को दिखाते हैं। तो गाइस छोटू जा रहा है वहाँ पैर हाथ धोकर और इस झरने के
पानी में है और फिर वहाँ जाएगा पूजा करने के लिए, जो कि वहाँ है आप देख सकते हैं वहाँ पे कोई देवी है, तमासिन माँ शायद नाम मुझे नहीं पता है, तो हम वहाँ जाकर पता करेंगे जो बाबा लोग होंगे उनसे, तो वहाँ देख सकते हैं वहीं जाकर पूजा करेंगे छोटू, और जो मन्नतें हैं वो हम लोग मांगेंगे और हम लोग को पूरा होगा तो फिर हम लोग कभी आएंगे। और आप देख सकते हैं बिल्कुल कितना खूबसूरत नज़ारा, और हम लोग यहाँ अभी ड्रोन से भी वीडियो शूट करने वाले हैं, और ये ऊपर से पानी आ रहा जो कि तीन नदी का पानी आता है और इधर जाकर जो फल्गु नदी में जाकर मिलता है, आप देख सकते हैं चारों तरफ, और यहाँ काफ़ी जनसंख्या में लोग आते हैं देखने के लिए चारों तरफ, और अभी तो ज़्यादा भीड़ नहीं, जो कल से भीड़ होगा जो कि 25 दिसंबर बड़ा दिन से होता है, और 14 फरवरी तक भीड़ होता है, ये भीड़ रहेगा यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा 1 जनवरी को भीड़ रहेगा। और आप देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा कितना मस्त नज़ारा है, तो गाइज हम छोटू के पास जा रहे हैं, छोटू वो जा रहा है पूजा करने के लिए, तो गाइज छोटू है सो पूजा करने के लिए जा रहा है, और जो मन्नतें होगा वो हम लोग मांगेंगे, और अंदर गुफा भी है तो गुफा भी हम लोग देखते हैं कि कैसा गुफा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल यहाँ कोई देवी है मुझे पता नहीं, बट हम लोग पूजा कर लेते हैं, और ये तमासिन वाटरफॉल के अंदर ही हैं आप देख सकते हैं, और इधर गुफा भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा गुफा है अंदर में, और हम लोग इधर भी जाएंगे शायद देखते हैं, और चारों तरफ, और आप देख सकते हैं छोटू वहाँ पूजा कर रहा है, यहाँ कोई बाबा नहीं है पूजा करवाने वाले, बट कोई बात नहीं हम लोग अपने से पूजा कर लेंगे, और यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का व्यू दिखता है चारों तरफ का, और मंकी लोग भी इधर है आप देख सकते हैं, वो आ रहा है मंकी, और इधर एक पेड़ के ऊपर है जो कि आप देख सकते हैं, छोटू पूजा करो देखो पेड़ के ऊपर कितना मंकी है। तो गाइस हम जा रहे हैं अंदर, और देख सकते हैं कि अंदर कितना अच्छी लग रहा है, और हम अंदर यहाँ प्रसादी चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं और इधर एक मूर्ति है, और यहाँ पे हम लोग प्रसादी चढ़ाते हैं, और देख सकते हैं कि इधर से और गहरा है, बहुत गहरा है जो आपको नहीं दिखाई देगा, और इधर से और अंदर जाया जाता है जो है से हम नहीं जा सकते हैं, और कुछ दूर तक जा सकते हैं बट इधर हम नहीं जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर गहरा है कि जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, और हमको पता भी नहीं है अंदर जाने का, तो हम आगे नहीं जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो तमासिन वाटरफॉल का जो नज़ारा है वो ऊपर से दिखने में कुछ इस प्रकार से लगता है, और ऊपर से ये पानी आती है और ये नीचे जाकर फिर फल्गु नदी में जाकर मिल जाती है, और आप देख सकते हैं ये नीचे साइड का जो कि फल्गु नदी में जाती है ये नदी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो तमासिन वाटरफॉल का जो सबसे खूबसूरत नज़ारा है वो इसी जगह पे है, क्योंकि यहाँ पे तीन नदी का पानी आती है ऊपर से और इसी जगह पे गिरती है, तो इसके वजह से ये काफ़ी आकर्षक और ख़ूबसूरत लगता है देखने में। तो आप लोग भी इस जगह पे आइए तमासिन वाटरफॉल, और यहाँ का जो खूबसूरती है उसका आनंद ज़रूर उठाइए। तो गाइस आप लोग वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि
हम कोशिश करेंगे तमासिन वाटरफॉल का जो खूबसूरत से खूबसूरत और अच्छी से अच्छी नज़ारा हो वो हम आप लोग को दिखाने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। ये है तमासिन वाटरफॉल का सबसे ऊपर का नज़ारा जो कि आप लोग ने अभी तक कभी भी नहीं देखेंगे। और ऊपर से कुछ इस प्रकार का दिखता है ये नदी। और आप देख सकते हैं ऊपर से तीन नदी का पानी अभी आ रही है और यही पानी जाकर उधर फिर नीचे गिरती जो कि तमासिन वाटरफॉल में। और गाइस आप देख सकते हैं कि जो तमासिन वाटरफॉल का जो ऊपर का नज़ारा है वो कुछ इस प्रकार की देखने में लगती है। और ऊपर से ऐसा लगता है कि नीचे कोई वाटरफॉल ही नहीं है और जो कि एक साधारण नदी के जैसा दिखती है। और अब देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर का जो नज़ारा है।
छोटू है सो यहाँ मंकी को बिस्किट खिला रहा है और हम इसे थोड़ा अच्छा से वीडियो रिकॉर्ड करने का कोशिश करेंगे। और ये आप देख सकते हैं इधर पत्थर पे जो मंकी बैठा हुआ है, छोटू इधर से बिस्किट दे रहा है, मंकी अभी आ रहा है और बिस्किट खाएगा। और हम थोड़ा कैमरा सामने जाकर ड्रोन और वीडियो करते हैं और हम कोशिश करते कि मंकी के पास ड्रोन लेकर जाते हैं और फिर देखते कि जो मंकी का रिएक्शन हो वो कैसा रहता है। तो हम लेकर जा रहे हैं अच्छे से, अच्छे प्रकार से। और अभी तो मंकी मंकी तो भाग गए गाइस, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल। ये मंकी भी डर रहा है ड्रोन से देखकर, अब देख सकते किस प्रकार से ये मंकी डर रहा है। तो गाइस ये नीचे तमाशिन वाटरफॉल में कुछ भैया लोग मिले थे और ये लोग हाय कर रहे हैं कैमरा में देखकर, तो सभी को हाय। फाइनली गाइज हम लोग जो तमाशिन वाटरफॉल था वो हम लोग घूम कर आ चुके हैं और बिल्कुल हम लोग पूरा का पूरा थक चुके हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल शाम हो चुका है और सभी लोग जा रहे हैं अभी घर। आप देख सकते हैं चारों तरफ और इधर से सभी लोग जा रहे हैं और हम लोग इधर है। तो छोटू लोग, तुम लोग को कैसा लगा तमाशिन वाटरफॉल? बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और गाइज आप लोग को अगर यहाँ आना हो तो बिल्कुल ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ का जो खूबसूरत नज़ारा वो बिल्कुल दिल को छू जाता है और सही में मस्त नज़ारा। तो गाइज आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। और यार चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यार हम ऐसे ही ब्लॉगिंग वीडियो और एक्सपेरिमेंट वीडियो लाते रहेंगे। तो फाइनली गाइज फिर किसी हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।